Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome once again to Anything and Everything videos. Today what I'm going to do is I'm going to teach you another way, sitting right at home, how to practice your English language. ठीक है? English language आपने घर में practice करने का एक और तरीका आसान सा बताता हूँ. Plus आप इसको अपने schools में भी use कर सकते हैं, जहाँ पे भी, और different levels पे use कर सकते हैं. तो example आपको देता हूँ, इसका मैंने नाम दिया है इसको Hexagon letters. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो समझाता हूँ, ताकि मैं आपको तरीका ये भी बताऊंगा कि इसको ड्रॉ करना है, कुछ थोड़ा सा नक्शा ड्रॉ करना है, वो भी अब तरीका बता देता हूँ. ठीक है, ये देखते जाए. इस तरह आपने ये लाइनें ड्रॉ करके फिर एक साइड पे इसके ये एंगल से बनाने शुरू कर देने हैं. ठीक है, एक साइड पे हो गए, और दूसरी साइड पे जब बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हेक्सागॉन्स बन जाएंगे, यानी छह साइड वाले बन जाएंगे. अब इसको कंटिन्यू करना है, यहां पे सिर्फ एक एक लाइन ऐड करते जाएं तो ये खुद ब खुद और भी बनते जाएंगे. ठीक है, ठीक है ना? तो आखिर वाला आपको बार बार बनाना पड़ेगा, फिर इसके साथ ऐसे ऐड करें लाइंस, फिर ये बनते जाएंगे. इस तरह फिर ऐड करें, टोटल आपने पांच बनाने हैं. यानी अभी तक देखें, एक दो तीन चार, एक दो, यानी एक दो तीन चार है ना, तो ये पांच लेके जाएंगे आप, तो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा ये. आप देखें, अब ये एक दो तीन चार पांच, 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 पांच पांच हर तरफ से बन गए. ठीक है, अब आप इसके अंदर ए बी सी डी पूरी लिख दें, एंड तक कहीं पे भी लिखते जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W Y Z. अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने इसमें X नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि नंबर एक X की जगह नहीं है, और नंबर टू X के साथ वर्ड्स बनाने बड़े मुश्किल होते हैं. ठीक है, अब इस लेसन में क्या क्या चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, पहले वो भी आपको बता देता हूं. ठीक है, एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, ठीक है, जनरल नॉलेज बढ़ेगी. अब किस तरह की आपने क्या करना है, what you're going to do is you're going to ask the students, ठीक है ना? अब क्या करें, जो आपके स्टूडेंट सामने बैठे हैं उनको दो यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, ग्रुप ए ग्रुप बी. अगर आपकी क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं तो गर्ल्स का ग्रुप अलग और बॉयज का ग्रुप अलग कर दें. ठीक है, घर में है तो इसी तरह एक ग्रुप लड़कों का बॉयज का बना दें कजन्स का, और दूसरी गर्ल्स का कजन्स का बना दें, या जो भी जिस तरह आप बनाना चाहें. ठीक है, फिर आपने उनको ये कहना है कि आई एम गोइंग टू एस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करूंगा. ठीक है, स्टार्ट आप कहीं से भी ले लें, जैसे एच से हम स्टार्ट ले लेते हैं. ठीक है, आपने कहना बेटा क्लास स्टूडेंट्स, यहां से हम ये गेम शुरू कर रहे हैं, गेम प्लस लर्निंग गेम. ठीक है, एच से शुरू होगा. फिर आपने दोनों साइड्स को कहना है कि मैं क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर जो है वो एच से शुरू होगा. ठीक है, अच्छा, अब एच से शुरू होगा तो आपने उसका आंसर देने के लिए हाथ खड़ा करना है, मुंह से बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो फिर दूसरों को चांस नहीं मिलता है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है. और जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसकी तरफ आपने इशारा करके तो कहना है कि जवाब दो, अगर ठीक है तो वो पॉइंट उस ग्रुप को मिल जाएगा, अगर नहीं ठीक है तो दूसरे ग्रुप को एक चांस दे दिया. एग्जाम्पल आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से शुरू करता हूं तो मैं कह देता हूं ओके The answer, अगर बच्चों का ग्रुप है छोटे हैं तो हम उनके लिए क्वेश्चन आसान सा रख देते हैं. तो आप उसे क्वेश्चन कहोगे, The answer is going to start with the letter H. H से इस सवाल जो करने लगा हूं उसका जवाब होगा. अब आप क्वेश्चन बच्चों को करते हैं कि this animal, ठीक है, this animal helps us to eat breakfast every day. ठीक है, अब बच्चे बैठ के सोच रहे होंगे, एकदम से एक बच्चे के ख्याल में आएगा कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमारी मदद करता है सुबह नाश्ता करने में, तो किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आ जाएगा वर्ड हेन.
यानी मुर्गी अंडा देती है तो हम नाश्ता करते हैं, तो एकदम से वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। जब से आपने देखा एकदम से किसने हाथ खड़ा किया, आप कहोगे ओके अहमद बेटा आपने हाथ खड़ा किया है, गिव मी द आंसर, वो कहता है हेन, आप कहोगे गुड आंसर। अब अगर उसने हेन कहा और वो लड़का था तो आप यहां पे छोटा सा उसके बी लगा दोगे, राइट। अब ये वाला हेक्सागन उसका हो गया, यानी बॉयज का। अब बॉयज डिसाइड करेंगे कि हमने कहां जाना है, ओ की तरफ जाना है या एस की तरफ जाना है, ठीक है। तो बॉयज कहते हैं सर हम ओ की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो ओ की तरफ आप फिर एक नया क्वेश्चन कर देते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी तरफ ले जाओ, ठीक है, डजंट हैव टू बी, अगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप कह सकते हो वी ईट दिस फ्रूट, ठीक है ना, वी ईट दिस फ्रूट एंड इट्स ए ट्रॉपिकल फ्रूट। एकदम से बच्चे सोचते हैं दिमाग में ओ से कौन सा फ्रूट है, तो उनके दिमाग में ऑरेंज आ जाता है, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट लेवल है। तो आप कह सकते हो दिस एनिमल वी कैन इवन राइड ऑन इट, आप इसकी सवारी भी कर सकते हो, तो उनके दिमाग में, ठीक है ना, एंड आपने इसमें ऐड करना है एंड, अब उनके दिमाग में एकदम से आएगा वर्ड ऑक्स, ओ एक्स, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है ताकि इतना आसान वाला ना, ताकि उनका थोड़ा दिमाग इस्तेमाल हो, तो आपने कहना है दिस एनिमल, ठीक है ना, इज वेरी वेरी बिग, बिगर 10 टाइम्स मे बी 20 टाइम्स बिगर देन अ चिकन, ठीक है ना। आप वो कहेंगे बर्ड तरफ है एंड इट हैज ओनली टू लेग्स, तो उनका दिमाग किस तरफ जाएगा, ऑस्ट्रिच की तरफ, ठीक है। जैसे हमने एज का किया था, तो अगर हम मुश्किल कर लेते थे इस वर्ड को, मुश्किल क्वेश्चन, तो हम कह सकते थे एज से अगर मैं क्वेश्चन को अगर मुश्किल कर देता, ठीक है, तो मैं कह सकता था वी द पाकिस्तानीज आर प्राउड टू हैव देम इन आवर कंट्री एंड दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, यानी हम पाकिस्तानी बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारी कंट्री में ये है और दुनिया की तकरीबन ऊंची तरीन है। तो किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आएगा वर्ड हिमालयस, यानी हिमालिया, हिमालिया के पहाड़। तो ये डिफिकल्ट लेवल होगी, ये इजी लेवल थी, हमने कहा था हेन यानी अंडा देती है। इसी तरह ओ से हम ऑरेंज कलर का भी कर सकते हैं, या ऑक्स का भी, या ऑस्ट्रिच का भी। इसी तरह आपने आगे बढ़ते जाना, ठीक है, बढ़ते बढ़ते आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे एल पे आ गए हो अब आप, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं आपको जरा समझा दूं, अगर फिर से बॉयज ने ये जवाब दे दिया और उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो आप फिर यहां भी, तो अगर बॉयज ने ये पांच लाइन में पूरे कर दिए, तो आप ऐसे ड्रॉ करके लाइन कह दोगे जी द बॉयज हैव वन द गेम, वो जीत भी गए, उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ी। प्लस एक और तरीका ये है कि आप सारे को पूरा कर लो और काउंट करो कि जी ज्यादा यानी गर्ल्स ने ज्यादा किए हैं या बॉयज ने किए हैं, तो वो जीत जाएंगे, या एक लाइन वाले जो है वो जीत जाएंगे, ठीक है। एनी हाउ, अब आप नंबर थ्री पे आते हो, ठीक है, तो एकदम से लड़कियां जवाब दे देती हैं, उनका हाथ खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो और उनका करेक्ट होता है, तो आप क्या करोगे यहां पे छोटा सा जी लिख दोगे, ये गर्ल्स ने जीत लिया है, ठीक है। अब अगर गर्ल्स कहेंगी कि हम इसको कंटिन्यू करें, तो जाहिर बात है वो डब्ल्यू की तरफ नहीं जा सकती, जाएंगे भी तो पीछे दो बॉयज के पहले ही हेक्सागन है, तो वो नई लाइन से शुरू हो जाएंगी नीचे की तरफ, वो आर एफ ए और आई को कवर करने के लिए आर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, तो वो आर का वर्ड सोचेंगे, ठीक है, तो वो कहेंगे सर आर से चले जाएं, अगर फिर उन्होंने जी आर ही ठीक करेक्ट बोल दिया, तो वो जी इधर लिखा जाएगा, फिर वो एफ पे आएंगी, क्वेश्चन आप उनको एफ से पूछो। आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको साथ साथ वही बताता जाऊं, आप कह सकते हो एनीबॉडी दैट गोज टू दिस इज वेरी सैड, है जो यहां पे जाता है वो बड़ा गम में होता है, सैड होता है, तो एफ से वो वर्ड सोचेंगे, ये डिफिकल्ट लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, तो उनके दिमाग में आएगा फ्यूनरल, जनाजा, जनाजे पे जो भी जाएगा वो सैड ही होता है, बड़ा उन्होंने यानी गम वाला यानी माहौल हुआ होता है, तो फ्यूनरल। तो ये भी अगर लड़कियों ने दे दिया, तो वहां फिर जी लगा देंगे। अब एकदम से यहां आके फिर लड़के जवाब दे जाते हैं, ए से आप कह देते हो जी दिस ए हेल्प्स अस To have a beautiful skin, तो कोई हाथ खड़ा करके कह देते हैं एलोवेरा, ठीक है ना, एलोवेरा एक प्लांट है जिससे स्किन बड़ी अच्छी होती है, राइट। तो ये लेकिन ये बॉयज ने दे दिया, तो वो फिर बॉय लग जाएगा, और बॉयज फिर इस तरफ चल पड़ेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन में पांच पूरे करने हैं, या टोटल सारे करके तो फिर काउंट करने हैं कि जी ज्यादा है कि बी ज्यादा है। नाउ दिस इंप्रूव्स योर जनरल नॉलेज, दिस ऑल्सो इंप्रूव्स योर वोकैबुलरी, एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल, किस लेवल पे हो, पहली दूसरी क्लास के हो, तो फिर ऐसे फ्रूट्स के नाम, एनिमल्स के नाम करो,
जरा डिफिकल्ट लेवल पे हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे यहाँ बी आ गया तो आप कह सकते हो एनीथिंग दैट गोज देयर डिसअपीयर्स, है क्या चीज गायब हो जाती है जो यहाँ जाती है, तो बर्म्यूडा ट्राइंगल पे चले गए आप, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हो, यानी के ऊपर आ गए हो तो आप कह सकते हो दिस वॉज बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट एंड आई लव टू डू दिस, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग बैन हो गई थी। वाई है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इट्स द आंसर स्टार्ट्स विद वाई बट आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द क्लू सी, यानी समुंदर का लिख के तो कहूंगा जी वाई से इसका क्या ताल्लुक है, तो कोई ना कोई बच्चा कहेगा समुंदर में ऐसी क्या चीज है जो वाई से शुरू होती है, तो वो कह देगा वाई ए टी सी एच का जवाब, याट, ठीक है, याट, इसको याच नहीं बोलना, याट, ठीक है। और याट क्या होती है, वो ऐसे करके जो कश्ती बनी होती है जिसके ऊपर ऐसे बांध बांध से बना होगा, दैट्स कॉल्ड अ याट, बड़ी सारी कश्ती को कहते हैं याट। तो इस तरह आपने दिमाग से अपने एज ए टीचर आपने सोचना है, या घर का कोई बड़ा है और बच्चों को ये ऐसी चीजें करवानी है सो दे कैन देयर इंप्रूव देयर इंग्लिश, ठीक है। दीज आर ऑल्सो देयर के सी द थिंग इज कि हमने रोजाना कोई ना कोई ऐसी चीज करवानी है जिसकी उनकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो, टू स्पीकिंग पावर, एंड यू आर ओनली गोइंग टू, मैं तो साथ में उर्दू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाने वाले हैं वीडियो, उन्होंने मुझे खास तौर पे ये कहा कि सर अगर आप कंटिन्यूअसली इफ यू टॉक इन इंग्लिश, अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलते रहेंगे तो काफी सारे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं देखना चाहेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे और वो कहेंगे यार हमें कुछ तो समझ आती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो मैंने सिखाने वाली चीजें हैं उसके लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ उर्दू भी बोली जाए और साथ में इंग्लिश भी बोलते रहे ताकि दोनों का टच रहे, ठीक है ना, वो जैसे पंजाबी भी गल कर सकने हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर, राइट। अतकाल हमारा मेक श्योर इश नाम, मैं अरबी में भी अल्लाह की मेहरबानी से बोल रहा था, हम दुबई में भी बड़ी देर रहे थे, एंड समटाइम्स यू कैन से सी हाबला इस्पानियोल पोकीटो, ठीक है, स्पेनिश भी थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं, बट आज के लिए आपको हम अल्लाह हाफिज कहते हैं, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।